हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री हाउ आर यू ईवीएस चैप्टर थ्री टुडे वी विल सी द रिका वीडियो ऑफ चैप्टर थ्री वाटर ओ वाटर आपने इस पोयम में पहले भी पढ़ा है कि वाटर के बारे में इसमें क्या कहा गया है आपने इस चैप्टर में यूजेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा I'll wash my face with water," said Munna to his nani. "We all quench our thirst with water. We all are alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages." <coughs> मैं अपना फेस पानी से धोता हूँ मुन्ना ने अपनी नानी से कहा और प्यास बुझाने के लिए हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है पानी के इतने साल इतने साल सालों से है कि उस पर हम लोग बहुत सारे पेजेस लिख सकते हैं कहीं ये ड्यू के जैसा है कहीं ये स्नो के जैसा है और स्टीम भी जो है वो भी क्या है बच्चों पानी ही है जैसा कि आप लोग भी जानते हैं समवेयर इट इज़ ड्यू समेयर इट इज़ स्नो स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो वाटर हैज़ फ्रॉम सो मैनी दैट इज़ वाट से माई नानी द रिवर फ्लो द वाटर फॉल सिंग्स एंड वाटर स्वेल्स इन लैक एंड स्प्रिंग रिवर में वाटरफॉल से ये सबसे पानी हम लोगों को मिलता है धरती पे जो है पानी की बहुत ज़रूरत है और कभी कभी आप देखते हैं कि एक्सेस वाटर जब होता है तो बाढ़ आ जाती है जिससे हम लोगों को अनाज उगाने में दिक्कत होती है वो सारे बर्बाद हो जाते हैं और पानी के वजह से ही हम लोगों को अनाज भी मिलता है अदरवाइज हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे यूज़ेज ऑफ यूज़ेज ऑफ वाटर आपको पता है कि वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है बहुत सारे जगहों पे वाटर का यूज़ करते हैं हम लोग जैसे ड्रिंकिंग वॉशिंग हैंड्स ब्रशिंग टीथ बाथ कुकिंग वाटरिंग प्लांट्स इन सब में हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है इस चैप्टर में आप लोगों को ये भी बताया गया है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो विदाउट पानी आप कर सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है जो विदाउट वाटर नहीं हो सकती है जैसे बिना पानी के हम लोग क्या कर सकते हैं खेल सकते हैं गा सकते हैं लिख सकते हैं डांस कर सकते हैं यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर आप पानी के बिना क्या नहीं कर सकते हैं तो पानी के बिना आप क्या नहीं कर सकते हैं आप पानी के बिना बोट नहीं चला सकते हैं आप आटा नहीं गून सकते हैं आप नहा नहीं सकते हैं कपड़े नहीं धो सकते हैं तो इस चैप्टर में आप लोगों को यूजेस ऑफ वाटर के बारे में गया और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हमारे लाइफ में वाटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है विदाउट वाटर हम जी नहीं सकते हैं वी कॉन्ट लिव और बच्चों धरती पे सबसे ज़्यादा वाटर है थ्री फोर्थ ऑफ वाटर जो है वो हमारे अर्थ पे है जैसा कि आप लोग जानते हैं तो इस चैप्टर में वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया गया है कि विदाउट वाटर जो है खेत सूख जाते हैं बंजर हो जाते हैं जिसकी वजह से अनाज नहीं उगाए जा सकते हैं और वहीं अगर एक्सेस वाटर भी हो जाए तो जिसकी वजह से बाढ़ आ जाते हैं तो फसल बर्बाद हो जाती है तो कुछ इसके एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं दैट्स ऑल